हेलो फ्रेंड्स, तो आदि पुरुष के टीजर ट्रेलर के रिलीज होने के बाद जो कंट्रोवर्सी हो रही है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल पे है। मेकर्स ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनको इस तरह के ट्रोल्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन देखो, ये तो बहुत बार होता है कि ऑडियंस को ट्रेलर पसंद नहीं आता या फिर मूवी पसंद नहीं आती तो वो मेकर्स को ट्रोल करते हैं। लेकिन भाई, मैं पहली बार अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि किसी VFX कंपनी को इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। हाँ, मेकर्स को तो ट्रोल किया ही जा रहा है, लेकिन इस बार जिन लोगों ने VFX किया आदि पुरुष के अंदर, उनको भी पब्लिक खूब ट्रोल कर रही है। और यार, ट्रोल करना तो बनता है, इतने सस्ते VFX भाई। लेकिन खैर दोस्तों, टॉपिक पे आते हैं। तो बात यह है कि अभी तक हम लोगों को ये मालूम था कि आदि पुरुष के VFX पे काम किया है NY VFX वाला ने, जिसके मालिक है हमारे अजय देवगन। और जब लोगों को ये मालूम चला कि भाई अजय देवगन की कंपनी है, तो सब ने फिर ट्रोल करना चालू कर दिया कि भाई ये तो फिर सही है ना, विमल खा के VFX किया होगा इन लोगों ने, मुंह में विमल दबा के, आदि पुरुष में सस्ता VFX लगा के। बोलो जुबा केसरी, VFX के हर एक फ्रेम में सस्ते पने का दम, बोलो जुबा केसरी। लेकिन दोस्तों, आज एक बहुत ही अजीब चीज हुई। अजय देवगन की कंपनी NY VFX वाला ने सामने आकर ये कहा कि भाई हमने तो आदि पुरुष के VFX पे काम ही नहीं किया है भाई, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, इसे क्यों मेरे को ट्रोल कर रहे हो। उन्होंने सीधा सीधा ऑनलाइन आकर कह दिया कि भाई हमने तो इस पे काम ही नहीं किया है। और क्योंकि ऑडियंस उनको इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, इतना ज्यादा गाली दे रहे हैं, तो यार उन्होंने सोचा कि आके क्लैरिफाई कर दें। भाई ये भी मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई इतनी बड़ी मूवी से अपने नाम को अलग कर रहा है। नॉर्मली जो बड़ी मूवीज होती है, जो बड़ी स्केल की मूवीज होती है, उससे हर कोई जुड़ना चाहता है। लेकिन यार यहाँ तो अपोजिट ही हो गया, और इसका रीजन तो हम लोग समझ ही सकते हैं कि भाई ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये है कि अगर उन्होंने VFX नहीं किया तो फिर किसने किया? टीजर के क्रेडिट्स वाले सेक्शन में तो इनका ही नाम दिया हुआ है, तो फिर ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? और चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आप लोगों ने इसका VFX नहीं किया, तो फिर किसने किया ये भी बता दो। किसने किया VFX सामने आओ, तुमको मौत की सजा मिलने वाली है। नहीं, खैर ऐसा भी नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि VFX तो इन लोगों ने ही किया होगा यार, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन क्यों मिलेगी हम लोगों को। और ये पॉसिबल है कि ऑडियंस के इतने गंदे रिएक्शन के बाद मेकर्स ने उनको काम से निकाल दिया हो, मतलब कि NY VFX वाला के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उमराउट ने, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया होगा। और अभी से 3-4 महीने बाद जो ये मूवी रिलीज होने वाली है, उसके VFX को दोबारा से करने के लिए उन्होंने किसी और को हायर किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। लेकिन यार यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या इतनी जल्दी ये सब कुछ हो पाएगा? अगर कोई दूसरी कंपनी भी आकर इसके VFX पे काम करना शुरू कर दे, तो क्या वो 3-4 महीने में इसके VFX पार्ट को कंप्लीट कर पाएंगे? तो ना, पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक रास्ता जरूर है कि इस मूवी को डिले कर दिया जाए 6 महीने या फिर 1 साल के लिए, वो बेस्ट ऑप्शन होगा। और बेस्ट क्या भाई, ये तो आखिरी ऑप्शन है आपका। अगर आपने सेम VFX के साथ मूवी को रिलीज किया, तो फिर भाई भगवान ही मालिक है आपका। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने ये न्यूज तो सुनी होगी कि आदि पुरुष और पठान एक साथ ही आ रहे हैं। पठान जो कि शाहरुख खान की मूवी है, वो भी 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, और आदि पुरुष आने वाली है 12 तारीख को। अब वैसे तो इन दोनों मूवीज के रिलीज में 2 हफ्ते का गैप जरूर है, लेकिन जब कोई इतनी बड़ी स्केल की मूवी रिलीज होती है, तो वो अपने आने वाले कॉम्पिटिटर को नुकसान तो जरूर देती है। और भाई इस न्यूज को बहुत ज्यादा फैलाया भी गया था कि भाई आदि पुरुष वर्सेस पठान होगी, आदि पुरुष पठान को पछाड़ देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वो जो बॉयकॉट गैंग है ना, वो तो बहुत ज्यादा खुश थे कि भाई आदि पुरुष के सामने पठान कहां ही टिकेगी। लेकिन भाई अब जो ट्रेन है, वो पटरी से नीचे उतर चुकी है। मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि आदि पुरुष के अगर इसी तरह के VFX रहे, तो फिर पठान उसको आराम से पछाड़ देगा। इनफैक्ट पठान बहुत ही अच्छी भी चलेगी, अगर उसके अंदर कंटेंट होगा तो। भाई इस वक्त सबसे ज्यादा खुश तो पठान के मेकर्स ही होंगे, और शाहरुख खान का रिएक्शन तो कुछ इस तरह का होगा। तो खैर दोस्तों, दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। वैसे अब ये पॉसिबल है कि पठान का टीजर ट्रेलर भी जल्दी ही ड्रॉप हो जाए, और अगर मुझे पठान के बारे में कोई न्यूज पता चलती है, तो मैं उसके बारे में भी आप सबको बता दूंगा। तो यार, इसलिए जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।